पिछले दिनों विश्वविद्यालय थाना अंतर्गत खुटेही से कार बाजार से स्कॉर्पियो छीनकर भागने वाले आरोपियों को सूचना देने पकड़वाने वाले को कार बाजार संचालक ने 25,000 रुपए इनाम देने की घोषणा की। पिछले दिनों स्कॉर्पियो छीनकर भागने वाले आरोपियों पर कार बाजार के मालिक ने घोषित किया 25,000 रुपए का इनाम। हम आपको बता दें, कुछ दिन पूर्व विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के खुटेही में संचालित कार बाजार में पहुंचे दो युवकों ने एक स्कॉर्पियो वाहन का सौदा किया। कार बाजार के दफ्तर में बैठकर उन्होंने स्कॉर्पियो का सौदा करने के बाद टेस्ट ड्राइव के नाम पर स्कॉर्पियो गाड़ी ले जाने का निश्चय किया। कार बाजार के मालिक ने टेस्ट ड्राइव के नाम से अपने एक आदमी को भी कार के अंदर स्कॉर्पियो गाड़ी में बैठाल दिया। कुछ दूर पहुंचने के बाद कार बाजार के कर्मचारी को धक्का मारकर नीचे गिरा दिया और दोनों युवक स्कॉर्पियो लेकर वहां से भाग निकले। घटना की जानकारी कार बाजार के कर्मचारी ने अपने मालिक को दी। कार बाजार के मालिक ने तत्काल ही इस बात की जानकारी पुलिस को दी। पुलिस ने घेराबंदी की और गाड़ी का पीछा करते हुए सिमरिया थाना क्षेत्र के गौधहा रोड में गाड़ी को बरामद कर लिया। वजह सीधी सादी और साफ थी, गाड़ी में डीजल ना होने की वजह से आरोपी वहां पर गाड़ी छोड़कर फरार हो गए थे। जब पुलिस और कार बाजार के कर्मचारी उस जगह पर पहुंचे तो वहां पर गाड़ी खड़ी हुई मिली थी। वहीं पूरी घटना को अंजाम देने वाले आरोपी सीसीटीवी में कैद हो गए। जब वो कार का सौदा करने कार बाजार के दफ्तर में बैठे थे, जिनकी गिरफ्तारी के लिए आज कार बाजार के संचालक ने इनाम की घोषणा की है। आरोपियों के संबंध में जानकारी देने वाले को 25,000 रुपए का नगद इनाम देने की बात कही है। कार बाजार संचालक साफ तौर से चाहते हैं इस तरीके के आरोपियों को पुलिस तत्काल गिरफ्तार करे। सूचना देने वाले को वह अपनी तरफ से 25,000 के इनाम की घोषणा भी कर रहे हैं। 7/2/2023 को करीब हम कार्यक्रम में जा रहे थे, 2 बजे करीब था समय, तो फोन आया इनका कि भैया हमारी गाड़ी लेके वो यहाँ टेस्टिंग के लिए ले गया। फिर वो दो आदमी थे, वो लोग जो इनका आदमी था उसको उतार दिए, गाड़ी लेके भाग गए। तो हमको ये जानकारी दिए तो हम पूछे कि कहाँ लेके भाग गए, तो बोले भैया ये सिमरिया से बनकुइया रोड घुस गए हैं। हम बोले चलिए ठीक है, तो हम सिमरिया थाना प्रभारी, चुनहटा थाना प्रभारी और शासन प्रशासन को अलर्ट किए कि जल्द से जल्द इसको पकड़ा जाए। और उसमें हम भी अपनी टीम के साथ काफ़ी प्रयास किए, बाईपास और कई जगह वो लगवाए कि भाई गाड़ी भगने ना पाए। फिर वो आखिरकार वो गाड़ी हमको लोगों को मिल गई। नहीं, अभी तक तो ऐसा नहीं था, लेकिन अब ये सब घटना को देखते हुए अब पहले अपन पेपर लेंगे कस्टमर का, फिर उसके बाद उसको टेस्ट ड्राइव देंगे। इस सारी घटनाएं में आपकी गाड़ी आपको मिल गई, क्या किस प्रकार की भूमिका रही सबकी? हमारे पूरी टीम की अहम भूमिका थी और हमारे राजेश भैया की मेन अहम भूमिका थी इसमें। हमारे पुलिस शासन प्रशासन की बहुत बड़ी भूमिका थी, तब जाके ये गाड़ी अपने हाथ आई, नहीं गाड़ी अपने हाथ ना आती। अब गाड़ी मिल गई जी, तो अब आप चोर की तलाश कैसे करेंगे? चोर की तलाश हम मीडिया के माध्यम से और प्रेस के माध्यम से हम इसकी तलाश करेंगे। इसमें कुछ हम निर्धारित इनाम भी रखेंगे कि जो उनको पकड़ेगा, जो जानकारी देगा उसको नगद कुछ इनाम उसमें दिया जाएगा। इनाम की राशि क्या है? इनाम की राशि 25,000 की करेंगे।